हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग जो आगामी 17वीं बीपीएससी की एग्ज़ाम होनी है, और यहां पे आज बीपीएससी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसमें सभी मीडिया बंधु पहुँचे थे। और यहाँ पर 17वीं बीपीएससी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें सामने आ रही है, जो चेयरमैन सर ने कहा है, और उस हिसाब से सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, देन हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि क्या एग्ज़ाम आपका 30 सितंबर को लेकर के आयोग अस्वस्थ है या नहीं है अभी तक। अभी हम लोगों ने TRE3 पुनर्परीक्षा था उसको संपन्न कराया है। जो महती भूमिका थी और जो आपने हमको जिन जिन बिंदुओं पर फीडबैक दिया था उसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद करें, ताकि हम बच्चों के लिए, बच्चों के हित में, राज्य के हित में एक बेहतर और स्वच्छ वातावरण में हमें वर्ग 1 से 5 के लिए जो आगे आने वाले दिनों में आयोग की ओर से लागू किया जाएगा। स्पेशली तब जबकि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर भी परीक्षाओं के संचालन में कई तरह की चैलेंज आ रही है, बट आयोग अपना अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहा है। हमने बैक टू बैक एग्जाम भी लिया, एग्जाम जून महीने में ली, 5 एग्जाम हम लोगों ने जुलाई महीने में ली, और आगे अगस्त महीने भी हम लोग 3 एग्जाम दे रहे हैं। उसके अलावा सितंबर महीने में हमारी अगर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होती है तो वो भी एक बहुत बड़ी एग्जाम है आयोग में। तो ये करके आयोग ने कोशिश की है कि बिहार के युवा को, बिहार के जो बच्चे हैं जो परीक्षाएं देते हैं, उनको एक स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त व्यवस्था के तहत परीक्षा देने का मौका दिया जाए, ताकि वो अपनी प्रतिभा। तो जैसा कि देखा साथियों कि चेयरमैन सर ने जो भी बीपीएससी में चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में बताए, फिर उन्होंने कहा कि अभी हम लोग लगातार एग्ज़ाम ले रहे हैं और आगामी जो 30 सितंबर को एग्ज़ाम अगर होती है तो, मतलब कि आयोग भी अभी आश्वस्त नहीं है पूरी तरीके से कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम होगा ही, हो सकता है कि इसमें बदलाव हो सके। और हमने आपको सुबह में ही अपडेट दिया था कि अभी तक मात्र 6+1 7 डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आई है, जो कि लगभग 100+ वैकेंसीज है, 100 से ज़्यादा नहीं है। और अब चूँकि उसमें कुछ कन्फ्यूजन भी था छात्रों को कि जब नई रिजर्वेशन पॉलिसी और पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के कन्फ्यूजन है तो फिर ये भर्ती कैसे आ गई, तो देखिए वो छोटी छोटी भर्तियां हैं, और चूंकि छोटी भर्तियों में रोस्टर को लेकर के ज़्यादा परेशानी नहीं आती है क्योंकि उसमें 2 से 3 सीटों का ही इधर उधर होगा, तो उसको आसानी से रोस्टर क्लियरेंस कर लिया जाएगा, चाहे वो पुराना से आएगा तो पुराना, नया आएगा तो नया, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। लेकिन अगर बड़ी जो भर्तियाँ हैं उसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट होते हैं, और जिसमें आपका वित्त विभाग हो गया, प्रशासनिक विभाग हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, आपका राजस्व विभाग हो गया, तो वहाँ से ज़्यादा संख्या में भर्ती आती है। और उसकी भर्ती अगर आयोग के पास आ जाती है पुराने रोस्टर से, और हो सके कि सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को लागू कर दे जो नया वाला आरक्षण है, तो फिर से रोस्टर जारी करना पड़ेगा नया वाला, और अगर नया वाला आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट अगर रद्द कर दे तो फिर से पुराना वाला तैयार करना पड़ेगा। और यहीं पे समस्या आ रही है जिसके कारण जो भी बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से ज़्यादा संख्या में भर्तियाँ हैं वहाँ से अभी तक वैकेंसी बीपीएससी को नहीं मिल पाई है। और चेयरमैन सर का क्लियर यहाँ पे देखा आपने कि उन्होंने कहा कि हम लोग कोशिश में हैं अगर 30 सितंबर जो आगामी एग्ज़ाम होने वाली है, जो सबसे बड़ी एग्ज़ाम होगी, लेकिन अगर होगी तब, और चूंकि पहले ही इन्होंने बताया था, पहले के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था आज के पहले, तो उसमें उन्होंने बताया था कि अगर 5 अगस्त तक सरकार क्लियर कर देती है। अब चूँकि देखिए सारा चीज़ डिपेंड है बिहार गवर्नमेंट पर, अगर बिहार गवर्नमेंट बीच का कोई रास्ता निकाल करे आयोग को बोलती है, क्योंकि आयोग खुद से अपने हिसाब से कोई काम नहीं कर सकती है, उसको नियम के अनुसार चलना है, जो भी सरकार का गाइडलाइंस होगा, सामान्य प्रशासन विभाग का गाइडलाइंस होगा, उसके अकॉर्डिंग ही भर्ती आएगी। तो अब देखना ये होगा कि सरकार क्या अपने स्तर पर 5 अगस्त तक कोई आयोग को सुझाव दे पाती है या नहीं दे पाती है, और इसी पे डिपेंड करेगा कि आपकी भर्ती डिले होगी या नहीं। लेकिन चांस तो बन रहा है कि डिले होगी, हालांकि आपको टारगेट, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टारगेट आपको 30 सितंबर को करना है, डेट बढ़ेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर में एग्ज़ाम डेट जाएगा, इससे ज़्यादा आपको डिले नहीं होगा बीपीएससी भर्ती। तो चेयरमैन सर का आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था
वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन वहाँ से मिल रहा है कि थोड़ा बहुत डिले हो सकता है आपका एग्ज़ाम में। हालांकि नोटिफिकेशन में डिले होना बिल्कुल तय है। बाकी यहाँ पे आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।